दोस्तों, अगर आप सलमान खान की सुपरहिट मूवी राधे को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल एन पिक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है राधे। ये फिल्म कौन सी है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस फिल्म में जो हिंदी डब वर्जन है वो किस OTT प्लेटफॉर्म या किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे और सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से एक्टर्स ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर, 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स है जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके बीच आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है।
फिल्म हार्ड कोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है, अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है, तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद हैं और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो, इसके निर्देशन से शुरू करें तो, इसके कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो, सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की वैसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है, उन्हें अपना फैन बेस पता है लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साझे की याद यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस पुरुष में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था, वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया, अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं।
सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज हुई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 में सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के आग बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पिछला पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह डिंग में आते हैं, करबत दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलियन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ छोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट भी वही है। ईद पर हर साल लोगों को 2 चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्म का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देश ने में दुनिया में सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म G5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म G5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे G5 पर पे पर व्यू होडल और G+ पर जे देखा जा सकता है। DTS प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTS2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटियां और तालियां की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा OTT पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड
फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिरपरिचित मासी एक्शन अवतार में है। जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स है जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके ट्विस्ट आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपने जाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है, अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है। उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है।
सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसके कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की ऐसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है। उन्हें अपना फैन बेस पता है, लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी रही और राधे एनकाउंटर स्पेशल है, जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साझे की याद यहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था, वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर इनका कोई भी कम से कम पटका था तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है, लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलियन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ जोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है।
वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है, लेकिन ये जैक नील के भी इस मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कही है तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों में की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट भी वही है। ईद पर हर साल लोगों को 2 चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्मों का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देश ने में दुनिया में सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म Zee5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म Zee स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे Zee5 पर पे पर प्यू होडल और Zee Plex पर देखा जा सकता है। DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTH2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटिया और तालिया की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात कि इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा OTT पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफ़र और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है, लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है।
हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है, लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके ट्विस्ट आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है। अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है। उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं, लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की ऐसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है। उन्हें अपना फैन बेस पता है लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साजे की याद यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है।
ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 सूर्यवंशी कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलियन चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ जोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों में की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट वही है। ईद पर हर साल लोगों को दो चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्मों का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देखने में दुनिया भर सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म Zee5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म Zee स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे Zee5 पर
पे पर क्यू वर्डल और जी प्लेक्स पर देखा जा सकता है। DTS प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTS 2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटियां और तालियां की आवाज़ थिएटर गूंजाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा OTT पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिरपरिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से। बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर, 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है, लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है, लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके बीच आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी जाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस
पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके ये फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है, अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है, तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आँख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सिक्वे के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसके कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की वैसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है, उन्हें अपना फैन बेस पता है लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साझे की याद यहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस पुरुष में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था, वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया, अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी, यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है।
साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पिछला पहला एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है, और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभुदेवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करबत दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वह रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलेन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ छोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है, लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट वही है। ईद पर हर साल लोगों को 2 चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्मों का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देखने में दुनिया में सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म G5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म G5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही, वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे G5 पर पे पर व्यू होडल और G+ पर जे देखा जा सकता है। DTS प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTS2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटिया और तालिया की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा OTT पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिरपरिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997
सत्तानवे एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है, लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है व यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स है जो अच्छे लगते हैं, और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है, लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके ट्विस्ट आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी जाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर रिएक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है, अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है, तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं, लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद
बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटेड में वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की वैसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है, उन्हें अपना फैन बेस पता है लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी रही और राधे एनकाउंटर स्पेशल है जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साझे की याद यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ए पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ए ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है, न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है। साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करबत दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलियन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ छोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था।
सलमान को ईद मुबारक कही है तो उन्होंने अपनी पिछली तीन फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट वही है। ईद पर हर साल लोगों को दो चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्म का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देश ने में दुनिया में सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म Zee5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म Zee स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे Zee5 पर पे पर प्यू होटल और Zee Plex पर देखा जा सकता है। DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTH2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटिया और तालिया की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा OTT पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है, लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके ट्विस्ट आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं।
फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर रिएक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है। अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है। उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की ऐसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है, उन्हें अपना फैन बेस पता है लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साजे की याद यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ
और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवाला मचाया गया था, वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है, न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर इनका कोई भी कम से कम पटका था तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है, लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 में सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिसे अच्छा है, साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलियन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ छोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है, लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों में की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट वही है। ईद पर हर साल लोगों को दो चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्मों का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देश ने में दुनिया में सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म G5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म G5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे G5 पर पेपर प्यू होडल और G+ पर देखा जा सकता है। DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTH2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है।
बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारे जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटियां और तालियां की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा ओटीटी पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिरपरिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है, लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है, लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके बीच आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है, अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है, तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे।
लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आँख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आँख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सिक्वे के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसके कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की ऐसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है, उन्हें अपना फैन बेस पता है लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साजे की याद यहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था, वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया, अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी, यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है, साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जोड़ नहीं पाते हैं।
फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानोगागी और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने, किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करबत दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलेन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ छोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है, लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट वही है। ईद पर हर साल लोगों को 2 चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्मों का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देश ने में दुनिया में सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म G5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म G5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही, वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे G5 पर, पे पर व्यू होडल और G+ पर देखा जा सकता है। DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTH2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटियां और तालियां की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा OTT पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की
दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है, लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है व यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है, लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स है जो अच्छे लगते हैं, और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है, लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है, लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके ट्विस्ट आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है, अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है, तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं, लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसके कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है।
वांटेड का वो कमिटेड में वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की वैसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है, उन्हें अपना फैन बेस पता है लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वॉन्टेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशल है, जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साझे की याद यहाँ स्वाभाविक है क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है, न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 सूर्यवंशम, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है, साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा छोड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करबत दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलियन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ छोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट वही है।
ईद पर हर साल लोगों को दो चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्मों का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपने कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहां देश ने में दुनिया में सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म Zee5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म Zee स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे Zee5 पर पे पर प्यू होडल और Zee Plex पर देखा जा सकता है। DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTH2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं। फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटियां और तालियां की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा OTT पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिर परिचित मासी एक्शन अवतार में है जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है, लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके बीच आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है।
प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर, स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं, लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी जाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है, लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है। अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है, तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है। उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है। शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे की आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो इसके निर्देशन से शुरू करें तो इसके कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की ऐसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है। उन्हें अपना फैन बेस पता है, लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साझे की याद यहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस पुरुष में लाया जाता है और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था, वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे ख़राब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की
इस रीमेक का आइडिया अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है, साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करबत दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे, मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलियन, चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है, उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ जोर नहीं चलता है। फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुझाया बनाया होता है। हिमेश रेशमिया के गाने जैकलिन का मौका मिल गया है, ये भी सलमान खान की बदौलत है। वह इस गाने में श्रीदेवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है लेकिन ये जैकलिन के भी मन की बात नहीं दर्शाती है। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वह है कि जिसे आप 250 रुपये से घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते हो तो हज़ारों का फटका लगना पक्का था। सलमान को ईद मुबारक कहिए तो उन्होंने अपनी पिछली 3 फिल्मों में की तरह इस बार ईद पर अपने फैंस को नुकसान होने नहीं दिया। बात आखिर कमिटमेंट की हो जा रही थी और सलमान ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो फिर कमिटमेंट वही है। ईद पर हर साल लोगों को 2 चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, पहला शांत की दीदर को और दूसरा भाईजान की फिल्मों का। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से दशहत चंदा बॉलीवुड को कई फिल्मों से मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई थी, वह दूसरी तरफ सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट के अनुसार अपने फैंस के लिए निश्चित समय पर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज कर दिया है। इस फिल्म को जहाँ देखने में दुनिया भर सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म G5 पर देखा जा रहा है। आलम यही है कि फिल्म का ऑफिशियल रिलीज प्लेटफॉर्म G5 का सर्वर की क्रैश हो गया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज की कुछ घंटों के भीतर जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही वह फिल्म इंडस्ट्री को और दुनिया भर में सलमान खान की लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग को दर्शा रही है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए हैं। सलमान खान फिल्म जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान, सोहेल खान के और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसीलिए प्रोड्यूस किया गया है। इसे G5 पर, पे पर व्यू होडल और G+ पर देखा जा सकता है। DTH प्लेटफॉर्म जैसे डिश, DTH2, डाटा स्काई और एयरटेल पर भी उपलब्ध है। बॉलीवुड के कई सुपरस्टार ऐसे हैं जिसकी फिल्म के अच्छे या बुरे हैं हमारी जैसे फिल्म क्रिटिक्स तय नहीं करते हैं। उन सितारों की भयंकर फैन फॉलोइंग के लाखों चाहने वाले जो क्रिटिक्स की राय जाने बगैर सिर्फ अपने हीरो को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, एक दो बार नहीं कई बार उनकी फिल्में देखते हैं, उनके जैसा टाइटल लुक और एक्शन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सलमान खान ऐसे सितारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आते हैं। भाईजान के फैंस उनको भगवान मानते हैं।
फिल्म में उनकी एंट्री होती है, सीटियां और तालियां की आवाज़ थिएटर गूंज जाता है। वो दिग्गर बात की इस वक्त सिनेमाघरों में ज़्यादा ओटीटी पर फिल्म देखी जा रही है। सपनों की नगरी मुंबई ड्रग्स की चपेट में है। राणा रणदीप हुडा इस ड्रग का कार्टेल का बादशाह है। वह शहर पर राज करना चाहता है। ड्रग्स ने शहर को गंदा कर दिया है और उसकी सफाई जरूरी है। सलमान खान एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर है। सफाई की जिम्मेदारी राधे को सौंपी जाती है। 2009 में सलमान खान की वांटेड फिल्म रिलीज हुई थी। प्रभु देवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। यह तमिल फिल्म पोखरी का रीमेक थी। राधे और मोस्ट वांटेड बाय इस फिल्म का सीक्वल है। कहानी पूरी तरह मुंबई पर है। फिल्म में सलमान खान अपने चिरपरिचित मासी एक्शन अवतार में है। जो राधे एनकाउंटर के फेशियलिस्ट से बीते 10 सालों में उनके खाते में 997 एनकाउंटर 23 बार ट्रांसफर और जब मुंबई ड्रग्स माफिया की गिरफ्त में है तो राधे शहर को साफ करने आया है, वो भी अपने अंदाज में। बदमाशों की जमकर धुंधाई और मजदूरों की दमदर मदद के बीच राधे के फर्स्ट पार्ट में टाइम का भी दर्शाया गया है। वह अपने ही बॉस की बहन दिया से प्यार की पीड़े लगाता है। राधे एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, कुछ एक पंच वाले डायलॉग है। लेकिन ऐसी फिल्मों की लड़ाई सिर्फ एक चीज से होती है कि वह मनोरंजक भी हो, इसमें दोहराव भी न हो और साथ ही साथ कुछ नया भी हो। डायरेक्टर प्रभु ने देवा के अपने हिस्से की पूरी मेहनत की है। वह यह सब फिल्म के जरिए दर्शकों को परोसे जाते हैं। हालांकि फिल्म कई जगहों पर पटरी से उतरती है लेकिन खतरनाक एक्शन और जबरदस्त विलेन के बूते यह फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म की शुरुआत दर्शकों पर अपना असर छोड़ती है। एक बदमाश दूसरे बदमाश को कोसता है और सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच टकराव के कई सीन्स हैं जो अच्छे लगते हैं और इन सब के ऊपर फिल्म में जबरदस्त एक्शन है जो यह नया भी है, स्टाइलिश भी है और खून खराबा भी दिखाया गया है। हालांकि फिल्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको खून खराबे से ध्यान भटकाती है। इन सभी में सबसे आगे है दिशा पटनी। वह एक परफेक्ट आई कैंडी है जो वह अपने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाती है लेकिन उनका आना फिल्म को अमूल्य उसकी मूल कहानी से भटकाता है। दिशा के किरदार में एक भोलापन है जिसमें कुछ स्कोप जरूर दिखता है लेकिन इसी बीच फिल्म में गाने का आ जाते हैं जिनके ट्विस्ट आपको कहानी और माहौल के बीच फिट नहीं लगते हैं। फिल्म में शोर गाने जिनमें साजिद वाजिद का टाइटल ट्रैक और दिल दे दिया है आपको अच्छा लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलवारा ने दिया है और यह फिल्म ने माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्रभुदेवा इस फिल्म में सलमान खान के स्टार पावर स्टाइल और स्वेग पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। सलमान खान ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। उनका अंदाज और रिएक्शन अवतार रोमांचित करता है। डायलॉग बाजों में भी सलमान खान कबते हैं लेकिन जहां एक और एक्शन दमदार डायलॉग फिल्मी लगे हैं। दिशा के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री भी कुछ खास नहीं जमी है। जैकी श्रॉफ के साथ सलमान खान ने कुछ मैजिक सीन है जो असर छोड़ने में काम साबित होते हैं। रणदीप हुडा ने विलेन के रोल में हर मिनट पर्दे पर अपनी जाप छोड़ी है। फिल्म में कई विलेन है लेकिन रणदीप उन सब पर भारी पड़ता है। फिल्म हार्डकोर के एक्शन है और लेकिन इसमें से डायलॉग और सिचुएशन की बुद्ध कॉमेडी का पुट जोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन हर बार इंसान जरूर नहीं है। कुल मिलाकर राधे एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता था लेकिन कोरोना महामारी के कारण भारत में भाईजान के फैंस को इस पर ईद घर बैठे टीवी पर भी अपना मोस्ट वांटेड भाई का किरदार करना होगा। यदि आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपके यह फिल्म पसंद आएगी। फिल्म में कई सिटी मार वाले सीन भी है, अच्छाई और बुराई का सब सामना होता है तो सलमान खान ने फैंस के यकीनन रोमांस पर महसूस करेंगे। लॉकडाउन में जहां हम सब घरों में कैद है और माहौलों में भी राधा और मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान के फैंस पर हंसी पर खुशी जरूर बिखरेगी। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सलमान अपने फिल्म में सबके लिए नहीं बनाते हैं, उन्हें अपना फैन बेस पता है, उनके बेस फैन बेस को सलमान की अदाई पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसे ही चलता है।
शीशा तोड़कर सलमान की एंट्री, मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश, आंख के नीचे कान से बना घाव, प्रभु देवा सीन्स बनाते हैं, फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वह सीन को फिर से दिखाते हैं जो स्लो मोशन में है। इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाता है। बीच से सलमान खान निकलते हैं, मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है, जिस वजह वो होठों से हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं। मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है और फिल्म राधे में सलमान का ये एंट्री सीन है। सिनेमा हॉल तो या इस खूब तलिया जान सुनने को मिलती है। सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान की ऐसी एंट्री पर लोग सीटों पर खड़े होकर नाचते हैं। लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज सीधे घरों में हुई। मोबाइल और लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर भी 5 सेकंड के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी, लेकिन चली नहीं। तमाम कोशिश के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की बात इसकी कहानी शुरू करें तो, इसके निर्देशन से शुरू करें तो, इसके कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें तो, सब बातें एक जैसी है। वांटेड का वो कमिटमेंट वाला संवाद भी यहाँ है। हीरो और विलेन की ऐसी फाइट जैसी इर्द पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले 10 फिल्मों में से भी उनका फैंस को देख चुके हैं। यहाँ भी ये है, बस हर बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं। हड्डी पसली सब चाबूत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए बनाते भी नहीं है। उन्हें अपना फैन बेस पता है, लेकिन सलमान खान की अदाई भी पता है। दोनों एक दूसरे पर बरसों से कूदा है, कुर्बान है। सलमान का सिनेमा ऐसा है जो चलता है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की कहानी हीरो राधे एनकाउंटर स्पेशल है, जो 10 साल में 23 ट्रांसफर और 97 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन साजे की याद यहाँ स्वाभाविक है, क्योंकि राधे को इसका निलंबन खत्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाता है, और क्योंकि राधे को भी उसका निलंबन खत्म कर पर पुलिस फोर्स में लाया जाता है। मुंबई में फैल रहे नशीले पदार्थ का कारोबार खत्म करने फिल्म में ये पहले सीन में हाफ साफ कर देता है। ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से जा रही है और इसका सप्लायर राणा है। सुशांत सिंह राजपूत का संदर्भ फिल्म के दे रही है देती है। पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार बनी बनी रहती है और गाना बजता है। आखिर में एंड क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हवल्ला मचाया गया था, वो गाना ठीक क्लाइमेक्स से पहले आकर फिल्म का भी जो थोड़ा बहुत मज़ा लेता है और उसे खराब कर देता है। सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बहुत बना चुका है। न सलमान खान इससे बाहर निकल जाते हैं और न उनकी कोटरी के निर्देशक उन्हें निकलने दे रहे हैं। उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है। सलीम खान का भी अपना ओपनिंग क्रेडिट्स में आता है। एक कोरियन फिल्म द आउटलॉज की इस रीमेक का आइडिया, अगर इनका कोई भी कम से कम पटकथा तो उन्होंने फिल्म की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फेल देने की कोशिश बहुत की गई है, लेकिन बात जमी नहीं है। फिल्म की पटकथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा ही अधिकतर कोरिया फिल्मों में से होता है, हीरो के अलावा किसी दूसरे का किरदार पर ध्यान नहीं देती है। हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला कलाकार बहुत ही हुई है। सिनेमा की भाषाओं में उन्हें डायरेक्टर एक्टर कहते हैं। सलमान खान ने निर्देशकों की कई नई प्रजाति तैयार की है। एक्टर डायरेक्टर यानी जो हीरो उन्हें बस यह कहना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की बेहतर हुई रिलीज कोई आखिरी फिल्म में से ऐसी बनी थी जिन्होंने 1999 में सूर्यवंशी, कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बत मिल गई थी। यहाँ तो ऐसा कुछ हो चाहे जिससे अच्छा है, साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधा का पहला एकदम से रोक कर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ा होकर नौतलियाबाजी लगाता है और लेकिन दर्शक उसे सीधा जुड़ नहीं पाते हैं। फिल्म में कहने को सितारों की पूरी बारात है। जैकी श्रॉफ, सिद्धांशु पांडे और गौतम नामदेव, दर्शन जरीवाला और सिद्धार्थ जाधव, अर्जुन कानो गागे और विश्वजीत प्रधान और प्रवेश राणा और शावर अरिहाना और ढीलन सब थोक में निपटा दिए है। इसके निर्देशन प्रभु देवा ने, किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड नहीं है और किसी भी का कहानी का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बस वह सर्कस की तरह रिंग में आते हैं, करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं। दिशा पटनी फिल्म की हीरोइन है जो
उस काम को फिल्म में कुछ खास नहीं है। वह धीरे धीरे सिनेमा का शोपीस बनती है और उसे इंस्टाग्राम के फोटो से कुछ अलग है और बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही है। फिल्म के सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो रणदीप हुडा सिद्धे मनमोहन देसाई की किसी फिल्म से निकले विलेन चाकूबाजी की वैसी, बाल भी वैसा और कॉस्ट्यूम भी डिटो वैसा है। सलमान खान की फिल्में सिर्फ सलमान खान की